गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। और ये सुबह 7 बजे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। मेरी बेटी सो के उठ गई थी तो मेरे पास बैठी थी, मैंने उसको ब्रश वगैरह करवा दिया था तो वह खेल रही थी रूम में। अब मैं जाऊँगी छत पे, सफाई करूँगी। मुझे बहुत काम होता है, मैं इस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। बट मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप व्लॉग भी शूट कीजिए। तो ये मेरे 2 मंजिल का मकान है, बहुत बड़ा घर है। मुझे पूरे में सुबह झाड़ू लगानी पड़ती है, इस तरह से आप देख रहे हो। पूरा ऊपर से लेकिन नीचे तक कंप्लीट हो चुका है। और ये ब्लॉग मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है शूट करने में, तो उसका कैमरे में बार बार हाथ आ जा रहा था। तो ये देखिए मैंने इतना साफ़ कर दिया है। और मैं ऊपर छत पर दाल को सुखाने के लिए डालूँगी और मूँगफली को, क्योंकि चींटियाँ लग गई थी, ध्यान नहीं दे पाई थी, बहुत से काम होते हैं। तो मैंने धूप में भी डाल दिया था, तो इस तरह से मैंने डाल दिया था। मेरी बेटी बोलती मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करवाऊँगी, तो वो भी करवा रही थी। तो इस तरह से मैंने सुखा दिया था। बहुत सारा काम होता है तो मैं A to Z नहीं शूट कर पाई थी, और सॉरी फॉर दैट। तो नीचे उतरते टाइम मेरी बेटी फ्लावर्स खेल रही थी तो मैंने वो छूट गया था। इसके बाद अपनी बेटी को नहलाने का काम करूँगी। उसको नहलाना है तो उसको ऑयलिंग करूँगी उसके बालों में, और जेल लगा दूँगी। पतंजलि का मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, फिर मैं उसको शैम्पू करवा दूँगी। मेरे पास बहुत से काम होते हैं, किचन का मैंने शूट नहीं किया। और ये व्लॉग मेरा सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके साथ मैंने शेयर किया है। जो जो मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकती हूँ तो वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऑल टाइम मैं मोबाइल लेके नहीं हो पाएगा मेरे से पॉसिबल कि मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है। और ये मेरा थोड़ा सा ही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बाकी जो काम है वो शेयर नहीं किए मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि फैमिली बड़ी है तो मेरा जो काम है बहुत ही ज़्यादा होता है, कपड़े धोना है, झाड़ू पोछा करना है, किचन का काम है, तो वो सब मैंने शेयर नहीं किया है। तो किचन में भी मैंने शिफ्ट करना मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरी नंद मेरे साथ हेल्प करवाती तो उसे कैमरे में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये मैं अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रही थी ऐसी। तो अब मैंने उसको नहला दिया, उसको रेडी कर दूँगी मैं, और उसके फेस में मैं उसको दवाई भी लगाऊँगी। उसको भी कैमरे में नहाते वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा कि शूट करना, जब मैंने उसको ड्रेस पहना दिया उसके बाद मैंने शूट किया है और रेडी कर रही हूँ मैं उसको। अपने आप से हो जाती है तैयार, बट मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। मैं उसको बाल मुझसे ही ठीक करवाने होते हैं, जहाँ बोलती मम्मा आप ही करो, ड्रेस वगैरह वो खुद से वेयर कर लेती है, सब कर लेती है, बड़ी हो गई है। अभी कुछ ही टाइम बाद उसका बर्थडे आने वाला है नवम्बर में, तो उसको रेडी कर दूँगी। देन उसके बाद उसको मैं नाश्ता दूँगी। अभी मैं उसको उसके फेस में उसका ट्यूब लगाऊंगी, उसकी दवाई चल रही है उसके फेस में, उसको इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया बट उसको थोड़ा बहुत रह गया। तो वही उसके फेस में मैं अप्लाई कर दूंगी और उसके बाद मैं आधा काम करने में बिजी हो जाऊंगी। तो कुछ कुछ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को बताना ज़रूर। और प्लीज़ कोई भी ये नहीं सोचना कि दिखा रही हूँ काम करती हूँ या वो, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा ब्लॉग है, लगा तो शेयर कर रही हूँ। अब उसके फेस में दवाई लगा दूँगी मैं, और अच्छी तरह से उसको लगाना पड़ता है, मुझे सुबह शाम दोनों टाइम लगाती हूँ मैं उसको, नाइट में भी सोने से पहले लगाना पड़ता है। अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, उसकी आइज़ के पास काफ़ी अभी तक उसका इन्फेक्शन है तो ठीक नहीं हो पाया है, उसको हाथ पैर में भी हो गया था। ये मौसम उसको बिल्कुल सूट नहीं करता है, बहुत सेंसिटिव स्किन है उसकी, तो मैं बहुत परेशान भी चल रही थी 1-1.5 हफ्ते से उसको इस इन्फेक्शन के कारण। तो पूरा उसको प्रॉपर तैयार कर दूंगी मैं, और मुझे पूरा टाइम उसको देना पड़ता है, वरना वो चिड़चिड़ाने लगती है कि मम्मा आप बिज़ी रहते हो, तो मुझे फुल काम टाइम उसको देना पड़ता है। इसके बाद मैं उसको नाश्ता करा के अपने कपड़े धोऊंगी और छत पर डाल दूंगी कपड़े सुखाने के लिए। धूप इतना ज़्यादा हो जाता है, और छत पर जब मैं गई थी तब 10:30 बज रहे थे, देख सकते कितनी तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है 12 बज गया है। तो कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है, तो हस्बैंड के अपने और बेटी के कपड़े में सुखा रही थी। और जो मैंने दाल और मूँगफली फैला दी थी धूप में, आप लोग को दिख रही होगी। तो बहुत सारे काम होते हैं मुझे, और लेकिन फिर भी कुछ लोग बोल देते हैं क्या करते हो, घर में ही तो रहते हो, क्या काम है आपको। अगर मैं अपना A to Z काम आपके साथ शेयर करूँगी तो आप लोग कहोगे कितना ज़्यादा काम है, क्योंकि बड़ी फैमिली है, काम दिखा के करना मुझे पसंद नहीं है। और मेरी आदत है कि हर चीज़ सबको ठीक से बताई जाए या दिखाई जाए तो वो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ शेयर कर दो हर किसी के साथ। सॉरी, तो बताना आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है। बहुत तेज़ धूप थी, मुझे बहुत लग रहा था मेरी बेटी में ये शूट कर रही थी, क्योंकि हर जगह ट्राईपॉड तो ले जाना सुटेबल होता नहीं है ना। तो उसने बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आपका पहला व्लॉग है, तो उसने मेरी हेल्प की है। अगर आप लोग को मेरे ये व्लॉग पसंद आते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो पर्सनली, तो मैं आप पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना चाहो तो। इस तरह से मैंने अपने कपड़े फैला दिए थे, और इसके बाद मैं इस बॉक्स में क्लिप रखी रहती तो वो क्लिप अपने कपड़ों में पूरे में लगा दूंगी मैं।
तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसके बाद भी और काम होते हैं तो वो मैंने शूट नहीं किया है। किचन का काम करके मैं फ्री हो गई थी, देन मैंने कपड़े धो के ऊपर डाल दिए थे, बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे, नाश्ता हो गया था, बन गया था, टिफ़िन पैक हो गया था, सब कुछ हो गया था। फिर इसके बाद मैं जाके नहाऊँगी, खुद नाश्ता करूँगी। तो इस तरह से मेरा पूरा रूटीन रहता है, और कभी कभी तो ऐसा काम भी हो जाता है। अब ट्रिप लगा रही हूँ, और नाश्ता करने के बाद मैं फिर अपना रेडी हो जाऊँगी। तो बताइएगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा बहुत ही आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग पसंद आया होगा, और ये ब्लॉग मेरा पता नहीं मैं कब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट बहुत से फैंस लोगों ने मुझे बोला था कि आप अपने ब्लॉग भी शेयर करो। तो मैं फुर्सत हो चुकी हूँ और अपने रूम में आ गई हूँ, यहाँ मैं शूट करती हूँ अपने वीडियो शूट करने के लिए। तो ब्लॉग तो मेरा आपको पता नहीं देखने को कम मिलता, बट कैसा लगा ये ज़रूर बताना। मैं और मेरी बेटी फ्री हो गए हैं तो वो मेरे साथ आ जाती है मेरे पास जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो हम दोनों वहीं बैठ चुके हैं और अब मैं अपने वीडियो की तैयारी कर रही हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा आज यहीं एंड होता है, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट करके बिल्कुल बताना कैसा लगा, और आगे आप अगर और भी ब्लॉग देखना चाहो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग साथ बिल्कुल शेयर करूंगी। पूरा ए टू जेड शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हर जगह मोबाइल लेके शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना काम होता है, और इस ब्लॉग में मैंने पूरा ए टू जेड आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हर जगह मोबाइल ले जाना नहीं अच्छा लगता है कि आप काम करते करते, क्योंकि बड़ी फैमिली तो हर चीज़ देख के करना पड़ता है। तो एक छोटा सा ब्लॉग था, सब लोग की रिक्वेस्ट थी, बहुत जो लोग मुझसे पर्सनल बात करते हैं उन लोगों ने मुझे बोला था कि आपने ब्लॉग भी बनाना। मैंने ये किसी को देख के ये नहीं किया कि वो भी ब्लॉग बना रहा है तो मैं भी बनाऊँ। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत टाइम से बोला हुआ था, तो अब मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वीडियो अगर मेरा ब्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। नॉर्मल सा रूटीन मैंने आपको दिखाया है, और पूरे दिन का नहीं दिखाया मैंने, कुछ ही टाइम का व्लॉग है मेरा ये, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ए टू जेड आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय कर दो।